गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम फिर से विस्टाज जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है वो करेंगे। तो अब इसका हम जो है पिछले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे एनिमी। तो दो वीडियोस एनिमी की हो चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि एक डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी करे या पैट्रियोट बनकर जो है एक ट्रू पैट्रियोट की तरह जो है वो जो उसको एक जख्मी हालत में एक बाउंडेड मैन मिला है जो कि बहुत ही वॉर प्रिजनर है और बहुत ही बुरी तरह से घायल है, तो कैसे वो जो है उसको मिलता है। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उस वाइट मैन को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो वो उसके बुलेट जो है वो निकालना शुरू करता है ऑपरेशन के दौरान। तो वहीं तक हमने किया था, तो अब हम जो है आगे करेंगे पेज नंबर 34, फर्स्ट पैरा फर्स्ट वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। तो कहते ये सोच रहा था वो कि ये आदमी, पता नहीं ये आदमी क्यों जिंदा रह गया। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम र्यूडलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। तो अनकॉन्शियस माइंड से जो है वो उसके ऐसे दिमाग में जो है वो ख्याल जो थे वो आए जा रहे थे, लेकिन वो अपना काम जो था वो बड़े धीरे धीरे आराम से जो था स्मूथली करे जा रहा था। इन हिज ड्रीम द मैन मोंड बट सदाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। तो जो है अनकॉन्शियसली अब वो भी जो था वो एक तरह से बेहोश था, तो वो सपने में जो है वो कराह रहा था और सदाउ जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बस बीच बीच में थोड़ा अपने आप से बड़बड़ा रहा था। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक। तो कहते हैं अगर तुम जो है और ज़्यादा कराहना चाहते हो दर्द के साथ तो तुम जो है वो करा सकते हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए जो है तुम्हारा ऑपरेशन नहीं ऐसे कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सब कुछ कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो एक अपने एनिमी की हेल्प कर रहा था। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन। तो दरवाज़ा खुलता है और देखता है हना उसकी वाइफ जो है वो दोबारा आ जाती है। वट इज द सॉरी वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। तो वो पूछती है बिल्कुल साफ आवाज़ में कि एनेस्थेटिक कहाँ पर है। सडाउ मोशन्ड विद हिज चिन, तो अपनी चिन के साथ जो है वो हिलाता है। इट इज़ एन एज वेल दैट यू केम बैक, he said this fellow is beginning to stir। तो वो कहता कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, ये आदमी जो है वो थोड़ा अभी जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं उसको हिलने डुलने लगा था, होश एक तरह से आने लगा था। she had the bottle and some cotton in her hand, तो उसके हाथ में बॉटल थी और उसके हाथ में कुछ कॉटन थी। but how shall I do it, she asked, तो कहते लेकिन ये हम मैं कैसे कर सकती हूँ। simply saturate the cotton and hold it near his nostril, तो कहते सिंपल है कि थोड़ा सा कॉटन को जो है वो उस लिक्विड से जो है बिल्कुल भर लो और उसके नाक के नोस्ट्रिल मतलब नाक के पास रख दो। सदाउ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। तो बिना किसी डिले के जो है वो एक मिनट में ही जो है उसी मोमेंट में जो है वो सारी डिटेल्स जो है सदाउ उसको दे देता है। When he breathes badly, move it away a little। और कहते जब वो जो है बुरी तरह से सांस लेना शुरू करे, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो, तो वो जो है कॉटन हटा देना। She crouched close to the sleeping face of the American, of the young American। और फिर जो है वो फटाफट क्या करती है कि उस यंग अमेरिकन के पास जो है वो फटाफट जाती है। It was piteously thin face, she thought, and the lips were twisted। तो बहुत ही पीटी मतलब कि दयालु वाला उसकी उसको काफ़ी ज़रा दया आ रही थी उसके फेस देखकर, और उसके लिप्स भी जो थे वो ट्विस्ट हुए पड़े थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। तो पता नहीं वो आदमी जानता भी है कि उसको अभी इनकी जख्मी है वो। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। तो वो बीच बीच में हैरान हो रही थी कि जो स्टोरीज़ जो हमने सुनी है उस जख्मी आदमी को देख कर के प्रिजनर में प्रिजन्स में जो है वो प्रिजनर्स के साथ ऐसा होता है, तो क्या वो सच है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। तो वो जो है
ऐसी बातें जो है वो र्यूमर्स की तरह जो है मतलब कि अफवाहों की तरह उन्होंने भी सुनी थी, और अब भी जो है कहते कॉन्ट्राडिक्टेड है कि सच में ऐसा होता है या नहीं. इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जैपनीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिब्रेशन. तो न्यूज़पेपर में तो यही पढ़ा है कि जापानीज़ आर्मीज जहाँ जहाँ भी जा रही हैं लोग बड़ी खुशी से उनका वेलकम कर रहे हैं और चीखते चिल्ला रहे हैं खुशी के साथ कि वो आज़ाद हुए. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली दो नो वन मेंशनड इट नाउ दैट ही हैड फोट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया. तो फिर उसको याद आता है बीच बीच में कि जनरल ताकिमा जो है आर्मी चीफ जनरल जो है वो कैसे क्रूअलिटी से कैसे जो है वो काफ़ी क्रूअल बनकर जो है वो अपनी वाइफ को अपने घर में पीटता है और कहीं भी उसका मेंशन नहीं होता है. और अब कहते हैं कि वो बोला जा रहा है कि विक्ट्री जो है बड़े ही उसके साथ जो है मंचूरिया की बैटल जो है वो जीत कर आया है. इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पार वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन दिस लाइक दिस फॉर इंस्टांस. तो कहते हैं वो आदमी जो अपनी पावर में अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूअल हो सकता है तो क्या वो सच में एग्जाम्पल ही जो है जो हमारे एनिमीज हैं उनके साथ नहीं क्रूअल होगा फिर. शी होप्ड अनएग्जिस्टली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. तो यही होप कर रही थी कि इस यंग आदमी को टॉर्चर ना किया हो. इट वॉज एट दिस दैट मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर. तो उसी टाइम जो है वो ऑब्जर्व करती है उसके कान के नीचे लाल कलर के निशान थे. दो स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू स्टाउ. तो स्टाउ की तरफ आई आंखें करके जो है वो बड़बड़ाती है ये निशान. बट ही डिडंट आंसर. तो वो आंसर नहीं देता है. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी. तो इस टाइम जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट का जो टिप है वो किसी हार्ड चीज़ पर जो है वो फील कर रहा था किडनी के पास. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. तो सारे जो ख्याल थे वो ने निकाल दिए थे. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. तो वो सिर्फ जो उसका एक तरह का प्लेजर था उसकी खुशी थी वही फील कर रहा था. ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. तो वो फिंगर्स के साथ बड़े ही ध्यान से हर इनकी एटम मीन्स के हर सेल को जो है बड़े ही ध्यान से उसकी बॉडी पार्ट्स को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. तो उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के उन्होंने ही जो है उसने देखा था कि उनकी नॉलेज भी ऐसी थी. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर. तो जो है यही बोला जाता है उसको पढ़ाया गया कि जब वो ये सोचता था कि हर साल मेरे टीचर्स जो क्या कहते थे कि ह्यूमन बॉडी के साथ हल्की सी भी जो मिस्टेक होगी हल्की सी भी जो लापरवाही होगी वो एक तरह का बहुत ही सीरियस मिस्टेक होगा. टू ऑपरेट विदाउट एज कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ मर्डर. तो कहते हैं बिना पूरी नॉलेज के किसी बॉडी को अगर तुम ऑपरेट कर रहे हो उसके साथ खेल रहे हो तो वो किसी मर्डर से कम नहीं होगा. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड स्टाउ मर्मर्ड. तो कहते कि ये किडनी के साथ नहीं है मेरे फ्रेंड. वो अपने आप से एक तरह से वैसे बातें कर रहा था जैसे वो जो है अपने पेशेंट से बात कर रहा है. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट वेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. तो उसकी ये आदत थी कि वो बड़बड़ाता था अपने पेशेंट के साथ जब वो ऑपरेशन कर रहा होता था. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एज सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी. तो माई फ्रेंड जो है वो अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता था अब वो भूल चुका था कि ये मेरा एनिमी है. देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसीजंस द बुलेट वॉज आउट. तो फटाफट बड़ी अच्छे तरीके से बुलेट जो है वो अंदर से बाहर निकली. द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. तो आदमी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली थी लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. लेकिन बीच बीच में वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो था वो बोले जा रहा था. गट्स ही मटर्ड चॉकिंग
दे गॉट माई गट्स. तो बोलते हुए जो था उसके इनकी थोड़ा उसको बोलने भी प्रॉब्लम हो रही थी, अनकॉन्शियस भी था. तो वो फिर जो था साथ के साथ बोलने जा रहा था कि गट्स मीन्स के एक तरह बायो की लैंग्वेज में हम जो है गट्स स्टमक के एरिया को बोल देते हैं. तो वो फिर कहता मेरा पेट, दे गॉट माई गट्स, के वो मेरा पेट के साथ मतलब कि स्टमक के साथ कुछ कर रहे हैं. स्टाउ हनस क्राइड शार्पली, तो वो फिर से चिल्लाती है स्टाउ सेड, वो चुप करवा देता है. द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट स्टाउ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट, सॉरी हेटिंग द टच ऑफ इट. तो आदमी की जो इनके एकदम से साइलेंट हो जाता है, तो सदाओ उसकी रिस्ट जो है वो फिर से चेक करता है, पल्स उसकी चेक करता है, जबकि उसको टच करने से वो हेट कर रहा था. यस देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप. तो लेकिन जो है वो अभी भी वहाँ पर उसकी रिस्ट में जो है वो अभी भी पल्स थी, बहुत ही हल्की सी, बहुत ही फीकी, लेकिन वो जो था उसको एक होप थी कि आदमी बच जाएगा. बट सर्टेनली आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लिव ही थॉट, लेकिन सोच भी रहा था कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये आदमी जिंदा रहे. नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हना, तो हना को कहता है कि और एनेस्थेटिक मत दो. शी टर्नड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल व्हील एंड फॉर्म इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थर्स्ट इट इन टू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म. तो वो बड़े ही फिर धीरे से जो है वो टर्न करता है, और फिर ही हैड दो ही हैड नेवर पोज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल व्हील. फिर उसके बाद जो है कभी ऐसे उस वैसे रुका नहीं है, लेकिन फिर अपनी मेडिसिन में से हल्का सा एक छोटी सी बॉटल एक तरह से लेता है और एक सिरिंज जो है वो भरता है और फिर पेशेंट की लेफ्ट आर्म में इंजेक्ट करता है. देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, फिर नीडल रख के फिर जो है वो उसकी रेस्ट जो है वो चेक करता है. द पर्ल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. एक दो बार तो वो थोड़ी हल्की होती है, लेकिन फिर पर्ल्स उसकी जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हना इन साइड. तो सांस गहरी सांस लेते हुए कहता है हना से, ये आदमी जिंदा बच जाएगा. द यंग मैन वॉक सो वीक हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड, कि वो यंग आदमी जो है वो जागता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, उसकी नीली आंखें डरी हुई थी. व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज. तो वो फिर देखता है वो कहाँ पर है, और हना जो है वो कंपेल करती है एक तरह के सॉरी फील करने के लिए. शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम. तो वो खुद उसको जो है हना जो है वो खुद उसको सर्व करती है, जो भी खाना वगैरह कुछ भी देना है, और क्योंकि उसके सर्वेंट्स ने रूम में एंटर करने से भी मना कर दिया था. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिज समन हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग. तो जैसे वो फर्स्ट टाइम रूम में जाती है, तो वो देखती है कि वो जितनी थोड़ी बहुत उसमें स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उसको इकट्ठे करने के लिए जो है वो कोशिश करता है कुछ फियरफुल चीज़ करने के लिए. डोंट बी अफ्रेड शी बेग्ड हिम सॉफ्टली. तो वो बड़े प्यार से बोलती है, कहती है डरो मत मेरे से. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गास्प्ड. तो वो सांस गहरी लेते हुए कहते हैं, कैसे तुम इंग्लिश जानती हो. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड, कहते मैं काफ़ी लंबे टाइम तक अमेरिका में रही हूँ. शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पॉर्कलिन स्पून. तो फिर वो देखती है कि वो जो है उसको कुछ रिप्लाई करना चाहता है, उसको जो है बोलना चाहता है, लेकिन वो फिर बोल नहीं पाता है, और फिर वो थोड़ा झुककर जो है उसको जो है एक चीनी मिट्टी से बने हुए स्पून के साथ जो है उसको पॉर्कलिन मतलब चीनी की मिट्टी के स्पून से जो है उसको खाना खिलाती है. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. तो उसका मन नहीं था, मतलब कि उसको पता नहीं पसंद नहीं आया, मतलब उसका अनविलिंगली बिना दिल के जो है उसने खाया, लेकिन फिर भी खाया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग शी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम. तो जो है वो कहती है, लेकिन उसको पसंद तो नहीं करती है, उसको कंफर्ट देती है और चली जाती है और कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे.
ही डिड नॉट आंसर, वो कुछ नहीं बोलता. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. तो सदाओ जो है ऑपरेशन के तीसरे दिन जो है उसको देखने के लिए आता है, तो देखता है कि वो यंग मैन जो है वो बैठा है, फेस उसका भी ब्लडलेस है, मतलब कि पीला पड़ा हुआ फेस है और थोड़े बहुत एफर्ट्स हैं. लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई? तो वो फिर उसको चिल्लाता है, कहते हैं लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिंड द वाउंड. फिर वो जो है वो बड़े ध्यान से जो है उसको नीचे धकेलता है, उसको लिटाता है और फिर उसका जो जख्म है उसको देखता है, चेक करता है. यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू इट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्ड इट. तो उसको एक तरह से डांटता है कि अगर तुम ऐसे ही ऐसी चीज़ें करोगे, मतलब बैठोगे या चलने की कोशिश करोगे, तो तुम अपने आप को मार दोगे. वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड. तो वो फिर बड़बड़ाता है, कहता है तुम मेरे साथ अब क्या करोगे? ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? तो अब वो जो था वो लड़का 17 साल के अराउंड का लग रहा था. तो वो कहता क्या तुम मुझे पुलिस के आर्मी के हवाले कर दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. तो कुछ देर के लिए सदाओ कुछ नहीं कहता है. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. तो वो फिर जो है तो उसको चेकअप करता है और फिर सिल्क क्विल्ट उसके ऊपर दे देता है. आई डोंट नो माई सेल्फ वट आई शेल डू विद यू, ही सेड. कहते मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. आई ऑट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. तो मुझे तो तुम्हें पुलिस के पास दे देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. नो, डोंट टेल मी एनीथिंग. कहते तुम तो एक वॉर प्रिजनर हो. नहीं, मुझे तुम कुछ मत कहो. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक. तो वो जो है उस ही पुट अप हिज हैंड, अपना हाथ उठाता है जैसे कि वो आदमी जो है वो कुछ बोलने लगता है. डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. कि जब तक मैं तुम्हारा नाम ना पूछूं तब तक मुझे अपना नाम भी ना मत बताना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आईज एंड टर्नड हिज फेस टू द वॉल. फिर एक दूसरे की तरफ वो कुछ देर के लिए देखते हैं और फिर यंग मैन जो है वो अपनी आंखें जो है उसके फेस से हटाकर वॉल की तरफ देखना शुरू करता है. ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन. तो कहते ठीक है, उसके फेस माउथ जो है वो एक तरह से चुप हो जाता है. आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ. तो दरवाजे पर हना जो है सदाओ की वेट कर रही थी. ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. तो वो देखता है कि वो जो है ट्रबल में है उसकी वाइफ. सदाओ यू मी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दैट कांट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी सेड. तो वो कहती है कि सदाओ यू मी बोल रही थी कि सर्वेंट्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अगर ये आदमी यहीं पर ऐसा रहेगा. शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आर ओन कंट्री फर्स्ट. तो वो बोल रही थी कि सर्वेंट्स ये बोल रहे थे कि हम इतने टाइम तक अमेरिका में रहे हैं दोनों, तो हम उसके कारण जो है अपनी कंट्री के लिए जो ड्यूटी है उसको भूल चुके हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स. तो वो यही सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली. तो वो कहते हैं कि ये सच नहीं है. अमेरिकन्स आर एनिमीज. तो कहते हैं अमेरिकन जो है वो हमारे एनिमीज हैं. बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. लेकिन मुझे ट्रेनिंग ऐसी दी है कि अगर मैं किसी आदमी को बचा सकता हूँ तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा. द सर्वेंट्स कांट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड अनएक्सिसली. तो वो भी तेजी से कहती है लेकिन सर्वेंट्स हमारी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं. नो, ही एग्रीड. तो वो मानता है, कहता हाँ. Neither seemed able to say more and somehow the household dragged on. तो अब दोनों जो है कुछ भी नहीं कहते हैं. अब दोनों जो है एक दूसरे से कोई बात नहीं कहते हैं और फिर जो है अब दोनों फिर जो है जो हाउसहोल्ड थे, मतलब कि उनका जो नौकर थे, अब वो फिर पीछे हटते हैं. द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल. तो सर्वेंट्स को और ज़्यादा देखा जाने लगा. देयर कर्टसी was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो उनकी जो कर्सी थी कि दयालुपन था वो as it is था, जैसे वो पहले थे कि केयरफुल थे उनके लिए, लेकिन
उनकी आंखों में वो रौनक नहीं थी, मतलब कि वो पहले जैसा अपनापन नहीं था जैसा कि पहले था, जिन्होंने उनको हायर किया था, मतलब नौकरी जिन्होंने दी थी उनके लिए वो अपनापन खत्म हो चुका था। इट इज़ क्लियर वट आर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो वो गार्डनर कहता है कि ये यहाँ से क्लियर होता है कि हमारा मास्टर क्या चाहता है। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस्ट। तो कई सालों से फ्लावर्स के साथ उसने अपने काम किया था और मोस्ट में तो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी था। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन्स इन जापान, स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। तो कई सालों तक जो है कहते हैं कि उसने जापान में सबसे फाइन मोस्ट गार्डन जो है सदाओ के फादर के लिए बनाया था, और उसको बड़े ही ग्रीन कारपेट्स के साथ, मतलब कि बड़े ब्राइट कलर के साथ जो है उसको साफ सफाई उसको करता था, यहाँ तक कि पाइन का कोई पत्ता या कोई नीडल जो है उस वेलवेट की सरफेस पर तक गिरी नहीं रहती थी। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वट ही ऑट टू डू, तो मेरे पुराने मास्टर का बेटे को पता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, तो एक बुश को जो है एक बर्ड से जो है वो निकालता है, सॉरी एक बुश में से बर्ड को निकालता है। वेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, जब आदमी मरने के इतने नज़दीक था तो उसने उसको क्यों नहीं मरने दिया, उसका खून क्यों नहीं बहने दिया। द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्प्टसली। तो कहते हैं वो हमारा यंग मास्टर जो है वो इतना ज़्यादा उसको प्राउड है अपने स्किल के ऊपर कि वो किसी की भी जान जो है वो बचा सकता है। तो उसके जो कुक था वो कहता है शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टेरिया वाइन। तो वो जो है एक मुर्गे की टांगों को पकड़ता है, उसकी जो है बड़ी ही स्किलफुल जो है उसकी नेक को पकड़ता है और फिर उसके एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड, और उसके गर्दन में एक तरह से काट देता है और फिर उसका ब्लड जो है मुर्गे का वो विस्टेरिया वाइन में की रूट्स में डाल देता है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। तो ब्लड जो है एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, तो ओल्ड गार्डनर जो था वो एक बूंद भी जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। तो यूमी कहती है हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वट विल बी दियर फेट इफ़ दियर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। तो कहते हैं उन बच्चों का क्या भविष्य होगा अगर उनका फादर को जो है एक विद्रोही मान लिया जाए, एक ऐसा बंदा मान लिया जाए कि जो देश के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। They did not try to hide what they said from the ears of Hana as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. तो वो अपनी थिंकिंग जो थी वो हना से नहीं छुपा पाए, क्योंकि हना जो है वो बरामदा में खड़ी थी और सुबह जो फ्लावर्स थे वो अरेंज कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर, और वो जानती थी वो उन लोगों ने जानबूझ के बोला है ताकि उसको सुन जाए। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, तो वो भी जानती थी कि ये सभी सही बोल रहे हैं। बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ could not understand, लेकिन एक और पार्ट था जो खुद वो खुद समझ नहीं पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, तो ये कहते कोई हमारे सेंटिमेंट्स नहीं थे कि हम प्रिजनर को जो है वो पसंद कर रहे हैं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, तो वो खुद उसको जो है प्रिजनर समझती है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही had said in the impulsive way, तो वो खुद जो है वो कल जब उसने बड़े impulsive way में जो है वो उसको बोला था तो वो खुद जो है उसको पसंद नहीं करती थी। Anyway, let me tell you that my name is Tom, तो वो फिर कहता फिर मैं आपको बता दूँ मेरा नाम टॉम है। She had only bowed her little distant bow, तो वो सिर्फ थोड़े डिस्टेंस पर ही उसको बो कर रही थी, मतलब थोड़ा जैसे हाय हेलो हम करते हैं ना वैसे। She saw hurt in his eyes but she did not wish to assuage it,
तो उसने उसकी आंखों में जो है वो दर्द देखा था, लेकिन वो जो है उसकी फीलिंग्स को जो है कम नहीं करना चाहती थी। फीलिंग्स मतलब कि उसका जो दर्द था उसको कम नहीं करना चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज दिस हाउस, बल्कि वो तो उनके घर, उसके घर में भी उनके उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो सकती थी। एज फॉर सडाओ, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वाउंड केयरफुली। तो सडाओ तो हर रोज़ उसका बड़े ध्यान से जो है वो जख्म देखता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और लास्ट स्टिचेस जो थे आज ही सुबह निकाले। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्थ नाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और यंग मैन जो था वो 15 दिनों में बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। सडाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। तो सडाओ चुपचाप अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पर एक चीफ ऑफ पुलिस को जो है वो सारी लेटर जो है वो टाइप करता है। ऑन द 21st day ऑफ फेबररी एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो लिखता है 21st फेबररी को कैसे एक प्रिजनर जो है वो पानी में बहता हुआ मेरे घर के आगे आ गया। सो फॉर ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन्ड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन इट इन टू इट। और फिर वो जो है टाइप करता है और फिर अपने सीक्रेट ड्रॉअर का डेस्क निकाल कर उसमें वो आधी अधूरी लेटर जो है रिपोर्ट जो है वो रख देता है। ऑन द 7th day आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपन्ड। तो उस दिन 7th day की उसके 7वें दिन जो है दो चीज़ें इकट्ठी हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, और सुबह पहले तो सारे के सारे सर्वेंट्स चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कैरचीफ्स। तो उनके जो बिलोंगिंग्स थी, उनके बिस्तर वगैरह थे, उनका जो सारी चीज़ें थी, उन्होंने एक उस बहुत सारी चीज़ों को बांध लिया था। वेन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, द हाउस नॉट क्लीन्ड एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड एंड शी न्यू वट इट मैंट। तो हना जब सुबह उठी तो उसने देखा कोई काम नहीं हुआ था, घर भी साफ नहीं था, खाना भी प्रिपेयर नहीं था, तो वो समझ गई क्या है इसका मतलब। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलो हर टू शो इट। तो वो थोड़ी दुखी तो होती है उस दिन, लेकिन डर भी जाती है, लेकिन मालकिन की हैसियत से ये सब कुछ शो नहीं कर सकती थी। इंस्टेंट शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। बल्कि वो अपना सिर जो है बड़े ही ठाट के साथ ऊंचा रखती है, और जैसे ही वो सारे किचन के में आते हैं उसके सामने, तो सभी को उनकी सैलरी देती है और उनका सबका थैंक्स करती है। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, एंड शी डिडंट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई। दे द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। कुक और गार्डनर जो थे वो जब से वो सडाओ जो है छोटा बच्चा था तब से जो है उनके घर में काम कर रहे थे, यूमी बच्चों के कारण रोई। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गोन शी रैन बैक टू हना। वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि जाने के बाद वह वापस हना के पास आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। अगर कहती बच्चा आज रात को मिस करे मुझे तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। कहती मैं अपने घर ही जा रही हूँ और आपको पता है मेरा घर कहाँ है। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग। कहती थैंक यू, हंसते हुए कहती है। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड। लेकिन वो अपने आप से कहती है कि मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी चाहे बच्चा रोए। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सडाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। तो वो ब्रेकफास्ट बनाती है और सडाओ जो है वो बच्चों को संभालता है। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गोन। दोनों में से कोई भी जो है उनके बारे में, सर्वेंट्स के बारे में नहीं बोलता है कि वो चले गए। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सडाओ। लेकिन जब हना जो है ब्रेकफास्ट देती है प्रिजनर को, फिर सडाओ के पास जाती है। वाई इज इट वी कांट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू। तो कहते हैं हम साफ साफ क्यों नहीं देख रहे हैं क्या हमें करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उससे पूछती है। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू। बल्कि सर्वेंट्स ने ज़्यादा अच्छे से देखा हमसे। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज से अलग क्यों हैं। सडाओ डिड नॉट आंसर, बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रिस्कली।
तो सडाओ कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो प्रिजनर के रूम में चला जाता है और फिर वहाँ पर जाकर जो है वो उसको बड़े यानी कि रूखे ढंग से जो है वो बोलता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम। तो मैं ये तुमसे यही कहूँगा कि तुम पाँच एक बार में 5 मिनट तक खड़े हो रह सकते हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम 2 गुना इससे ज़्यादा मतलब 10 मिनट तक खड़े रह सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ ताकत जो है वो जितनी जल्दी हो सके तुम वापस ले जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।